हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के किसान सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। मांगे न मानने से नाराज किसानों ने मनोहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहादुरगढ़ में एसवाईएल जमीन अधिग्रहण का मुआवजा समेत करीब 25 मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक के पास प्रदेश भर से आए किसान धरने पर बैठे। हरियाणा स्वाभिमान आंदोलन के अध्यक्ष रमेश दलाल की अगुवाई में किसानों ने असौदा से रोहत जाने वाली सड़क पर केएमपी के नीचे डेरा जमा लिया। रोकने के लिए तैयारी में बैठे हैं, प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखाएगा, इनको सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी रेलवे पर हम तो यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, लेकिन हमें अंदेशा है कि इनके बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के कार्यकर्ता इधर उधर ट्रैक पे कोई गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा प्रशासन से कहना है कि यहाँ जींद तक पॉइंट तो हमने आगे तक बना रखे, बॉर्डर से लेके जींद तक इनको अपनी प्रशासन की व्यवस्था, अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। एक तरफ किसान जहां रेल रोको आंदोलन करने पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, हालात काबू कर रहे हैं। इसके लिए धरना स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस हर तरीके से मुस्तैद है, इस तरह का कोई इनके द्वारा ना तो किया जाएगा ना हम कर देंगे। चल रही है अभी तो शांतिपूर्वक सभी बैठे और इसी तरह का कोई मांग पत्र या कोई इस तरह की बात अभी नहीं हुई है। इन्होंने ये आश्वासन तो दिया है कि हम शांति बनाए। आपको बता दें कि हरियाणा स्वाभिमान किसान संगठन ने मांगे पूरी करने के लिए सरकार को 13 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ऐसे में नाराज किसानों ने प्रदेश सरकार को रेल रोकने की चेतावनी भी दी थी, जिसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया था। अब सरकार और किसानों के बीच ठन गई है। R9 TV के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।